Followed by dot slash httpd. Okay, this is a directory where this file is residing. Press O, or if you want to open in complete, press enter and then select httpd.conf and press enter again. फाइल के एकदम टॉप में जाने के लिए कोलन एंड वन ओके न सी दिस इज़ अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल और इसके अंदर हम अपाचे सर्वर के अंदर कोई भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं कोई भी चीज़ ऐड या सब कर सकते हैं ठीक है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें होती है आपकी वर्चुअल डायरेक्टरी या आपके लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट uh, कहाँ से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा वेदर द पी पी फाइल विल बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड आप सीक्वेंस uh, देते हैं कि सबसे पहले इंडेक्स फाइल एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी या इंडेक्स फाइल की जगह पे आप कोई और नाम देना चाहते हैं तो यू कैन गिव ऑल दोज थिंग्स सो लेट स्टार्ट विथ ग्लोबल एनवायरमेंट सो ऑल द लाइन्स लुकिंग ब्लू आर कमेंट्स एंड इसके अंदर कमेंट के लिए तरीका क्या होता है वी पुट हैश ओके वी जस्ट पुट यशेज एंड दीज हैशेस डिफाइन दैट इट इज़ अ कमेंट ओके सो so, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्वर टोकन सर्वर टोकन से सर्वर uh, टोकन में हम ये डिफाइन करते हैं कि टोकन किस तरीके का हम यूज़ कर, करना चाहते हैं वेदर यू यू वॉन्ट टू यूज़ सिस्टम डिफाइंड टोकन ऑपरेटिंग सिस्टम टोकन्स और यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन टोकन्स सो हेयर वी आर लुकिंग फॉर टोकन्स डिफाइंड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम ओके ना सर्वर रूट सर्वर रूट इज़ द डायरेक्ट्री वेयर यू कैन फाइंड ऑल द कॉन्फिग्रेशन फाइल ऑल द फाइल्स वे आर विच आर बेसिकली बीन यूज बाई योर अपाचे सर्वर अपाचे सर्वर को जिन जिन फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन जिन कॉन्फिग्रेशन फ़ाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी कॉन्फिग्रेशन फ़ाइल आपको स्लैस सी टी सी स्लैस एच टी पी डी डॉट डी के फोल्डर के अंदर मिलेंगी ठीक है ना PID file. This is one of the important file. And uh, इस file का काम क्या होता है कि आपका server चल रहा है या नहीं चल रहा ये आपको define करके देती है यानी if uh, suppose you want to check that uh, what is the PID of HTTP D server, then it will be available in HTTP D dot PID file. And it is located in run folder. Now, timeout. टाइम आउट इज़ इफ सम क्वेरी इज बीन गिवन कितनी देर के बाद अगर वो पेज नहीं मिलता है तो सर्वर टाइम आउट बोल दे सो दैट इज गिवन एज वन मिनट बट इट कुड बी गिवन सम वॉट लोअर वैल्यू कीप ए लाइव इज बेसिकली द सेट ऑफ कनेक्शन इफ़ यू वॉन्ट की कनेक्शन जो आपके साथ एक बार जुड़ गया है जब तक कनेक्शन फिनिश uh, करने की रिक्वेस्ट ना हो तो कनेक्शन तब तक के लाइव रहे इसके लिए इसको ऑन रखते हैं अगर आप इसे ऑफ रखते हैं तो उस समय क्या होगा आप नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं मीन्स पचास क्लाइंट आपके साथ जुड़ रहे हैं तो पचास के पचास uh, आपके सर्वर से कनेक्टेड होंगे बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सर्वर फॉर अ लॉन्गर टाइम नाउ कीप अ लाइव रिक्वेस्ट कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं दैट वी डिफाइन एज वी हैव डिफाइंड एज हंड्रेड मीन्स मै मैक्ममम हंड्रेड क्लाइंट्स हंड्रेड रिक्वेस्ट कम साइमल्टेनियसली सौ के बाद एक सौ इक्वी रिक्वेस्ट अगर एक ही टाइम पे आती है तो उस एक सौ इक्वीं रिक्वेस्ट को हम एक्सेस नहीं करेंगे नौ कीप अलाइव टाइम आउट जो आपका है वो पंद्रह सेकेंड का है मतलब पंद्रह सेकेंड के लिए आपका कोई भी चीज़ टाइम अलाइव रहेगी मतलब उसके साथ कनेक्शन बना रहेगा उसको डेटा सेंड होने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोसेस बंद हो जाएगा ना आई एफ मॉड्यूल आई एफ मॉड्यूल इज़ बेसिकली अ मॉड्यूल दैट कम्युनिकेट्स विद द आई एफ स्टेटस ऑफ योर सिस्टम मीन्स आपके सिस्टम के आई एफ सर्वर के साथ यानि कि आपके लैंड कार्ड्स के साथ जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है दैट इज़ डन विद विद द हेल्प ऑफ दिस आई एफ मॉड्यूल यू कैन डिफाइन द रिस्पेक्टिव सी फाइल एंड उसके अंदर आप डिफाइन uh, कर सकते हैं कि किस किस तरीके से आप कनेक्शन को अलाउ या डिनाई करेंगे और कहाँ से कनेक्शन इनिशिएट या क्लोज होगा इन द सेम वे देर इज़ अनदर मॉड्यूल दैट इज वर्क नाउ ऑन विच पोर्ट यू वॉन्ट टू लिसन योर सर्वर सर्विसेस दैट यू कैन डिफाइन हियर

सो दैट्स वे वी हैवेंट डिफाइंडर एनी आई पी एड्रेस नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू एड सम काइंड ऑफ लॉजिक मॉड्यूल्स आपको अगर लगता है कि कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल आपको अपने अपाचे सर्वर के साथ जोड़ के रखना है तो यू कैन डिफाइन ऑल द मॉड्यूल्स हेयर हेअर सम ऑफ द बेसिक मॉड्यूल्स आर बीन रिटर्न जो कि इसके साथ बाई डिफॉल्ट अटैच होते हैं जैसे एल डेप मॉड्यूल होता है आपका लॉग मॉड्यूल होता है लॉग कॉन्फिग होता है ठीक है सो ऑल दीज मॉड्यूल्स आर प्री एम्बेडेड विद द अपाचिस अगर आपको इसमें से लगता है कि नहीं कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है जिसको आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप उसके पहले इसको हैश लगा के कमेंट बना दीजिए नौ देर इज़ एन अदर फोल्डर कॉल्ड कॉन्फ डॉट डी आप उसको अगर अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो हियर वी राइट वन स्टेटमेंट दैट इज़ इंक्लूड कॉन्फ डॉट डी स्लैश स्टार डॉट कॉन्फ दिस इज़ द लोकेशन वेयर ऑल द कॉन्फिग्रेशन फाइल्स विल रिजाइड नाउ कॉन्फिग्रेशन फाइल्स किस तरीके की वो सारी फ़ाइल्स जिनका काम जिनका इसी तरीके का एच टी पी डी डॉट कॉन्फ वाला काम होगा वो सारी फ़ाइल्स इसके इस वाली लोकेशन पे रखी जाएंगी कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमारा शेयर्ड सर्वर होता है तो हम सबको परमिशन नहीं देते कि एच टी टी खोल लो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम लोगों को एक डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन दे देते हैं और उस डायरेक्टरी को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ Which user is executing uh, this Apache server? That you can define here means कोई भी फाइल जो आपके PHP एच पी के हेल्प से चलेंगी उसमें यूज़र नेम आपका अपाचे और ग्रुप नेम अपाचे होगा अगर आप यहाँ पे यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज द यूज़र नेम दैट विल बी द सर्विस यूज़र नेम फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस एच सर्विस के लिए ये सर्विस यूज़र नेम हो जाएगा ना सर्वर एडमिन दिस इज द पर्सन जिसके पास कोई भी एरर होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग ई मेल आएंगी ठीक है किसी भी तरीके का एरर डॉक्यूमेंट अगर आप मेल पर चाहते हैं तो दैट विल बी सेंड टू दिस स्पेसिफिक मेल यू कैन चेंज हेयर द ई मेल आई डी एंड यू कैन पुट एनी अदर ई मेल आई डी एज पर योर चॉइस ना इफ़ यू वॉन्ट टू यूज कैनिकल नेम कैनिकल नेम का मतलब क्या है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्ट्री बनाई अब उसी के साथ साथ आप कुछ और नाम से उसको यूज़ करना चाहते हैं ठीक है आप एक ही डायरेक्ट्री को चार पाँच नामों से यूज़ करना चाहते हैं फॉर देट यू कैन ऑन दिस कैनानिकल नेम एंड देन यू कैन डिफाइन द कैनिकल नेम फॉर ईच एंड एवरी पार्ट नाउ डॉक्यूमेंट रूट दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू प्लेस द फाइल्स डॉक्यूमेंट रूट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट प्लेस uh, किया जाता है इफ़ यू वांट टू प्लेस इट समवेयर एल्स जस्ट पुट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी रिमेंबर वन थिंग आपने जो भी यूज़र नेम और ग्रुप uh, नेम दिया है यूज़र एंड ग्रुप प्रिवलेजेज उसके हिसाब से होनी चाहिए उस यूज़र को परमिशन कम से कम रीड करने की इस डायरेक्ट्री के ऊपर होनी चाहिए अगर वो यूज़र इसमें जा कर के रीड कर सकता है तो ही आपका uh, जो वेब वेब पेज है वो पब्लिश होगा Now, come to directory. Here what we do is we define different type of options like uh, some kind of restrictions. You can define, you can define that whether you want to allow this override or not. जो आपने options यहाँ define किए हैं कि आप उसे override करना allow करते हैं या नहीं करते, वो सब यहाँ define कर सकते हैं. Now just see one example. जैसे हमने document root लिया slash where slash www slash html it is a directory now in this directory what i want to do is all option indexes follow uh, sim links that means uh, you have to follow symbolic links if you want to allow this symbol uh, following uh, symbolic links it will go ahead otherwise it will not uh, लुक ऑन टू द सिंबोलिक लिंक्स ठीक है अब सिम्बोलिक लिंक्स के बाद दूसरी चीज हमें चाहिए था अलाउ ओ ओवर राइड इफ यू वॉन्ट टू अलाउ द ओवर राइड दैन पुटर यस अदरवाइज नो ना ऑर्डर अलाउड इनाई ऑर्डर अलाउड इनाई के अंदर हम बताते हैं कि ये साइट कहाँ कहाँ से खुलेगी अलाउ फ्राम ऑल का मतलब हुआ कि दिस वेबसाइट विल भी अवेलेबल एवरी वेयर बट इफ़ यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट सम स्पेसिफिक सिस्टम मतलब आप अपने कंप्यूटर के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम का आई पी एड्रेस दे दीजिए तो ये उस स्पेसिफिक आई पी एड्रेस पर ही साइट खुलेगी और कहीं नहीं खुलेगी ना देर कम्स एन अदर मॉड्यूल हियर वॉट वी डू इज वी टॉक अबाउट यूजर डायरेक्टरीज यूज़र डायरेक्टरीज़ क्या होता है जैसे आपके अपाचे सर्वर के ऊपर सॉरी आपके लाइनक्स सर्वर के ऊपर जितने भी यूज़र्स बने हैं अगर आप वो सभी यूज़र्स कुछ इस तरीके से एक्सेस करना चाहते हो एच टी टी पी अगर इस तरीके की डायरेक्ट्री आप एक्सेस करना चाहते हो कि भाई आपने लाइनक्स सर्वर और उसके बाद टिल्ट साइन एंड देन यूज़र नेम के नाम से कोई भी डायरेक्टरी एक्सेस करनी है और इसमें आप कोई स्पेसिफ़िक डायरेक्टरी खोलना चाहते हो तो यूज़र डायरेक्टरी इनेबल कर दो अगर आपने इनेबल कर दिया तो आपको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके की डायरेक्टरी के अंदर यूज़र की कौन सी डायरेक्ट्री ओपन होगी दैट मीन्स वॉट वी डू नॉर्मली is we डिफाइन अ स्पेसिफिक डायरेक्ट्री दैट इज पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल ओके सो यूज़र के फोल्डर के अंदर पब्लिक अंडर स्कोर एच नाम की अगर कोई डायरेक्टरी है तो वो पब्लिश हो जाएगी अदरवाइज नहीं ठीक है बट अगर आप ये नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करने का तरीका ये होता है कि यू हैव टू राइट यर यूजर डी आई आर एंड देन नेम ऑफ़ द यूजर डी आई आर लाइक इंस्टेड ऑफ पब्लिक एच कैन डिफाइन एनी अदर नेम ना अब आपने डायरेक्टरी तो डिफाइन कर दी उस डायरेक्टरी के ऊपर आप एक्सेस भी अलाउड नहीं करना चाहेंगे तो यू कैन डिफाइन ऑल दीज थिंग्स लाइक

इसके अलावा अगर आप ऑप्शन uh, डिफाइन करना चाहते हो कि किस किस तरीके से व्यू हो यूज़र को जैसे मल्टी व्यूज़ या इंडेक्सेस, सिंबॉलिक लिंक्स एंड देन अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि इंक्लूड इंक्लूड्स एंड एग्जीक्यूशन तो आप ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके अलावा गेट पोस्ट वेरिएबल से कोई चीज़ अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं जैसे लिमिट के अंदर यहाँ डिफाइन किया गया है कि लिमिट गेट पोस्ट ऑप्शन एंड वी आर डिफाइनिंग दैट अलाउ डिनाई एंड अलाउ फ्रॉम ऑल इफ़ यू जस्ट पुट हेयर डिनाई और डिनाई फ्रॉम सम स्पेसिफिक यूज़र देन दैट यूजर और दैट सिस्टम विल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ओके ना डायरेक्टरी इंडेक्स डायरेक्टरी इंडेक्स का मतलब क्या है कि आपका कौन सा पेज सबसे पहले प्रेफरेंस में दिया जाएगा फिर उसके बाद कौन सा फिर उसके बाद कौन सा फॉर एग्जांपल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इज़ द फर्स्ट पेज देन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट वैर इज सेकेंड पेज एंड देयर कैन बी मेनी मोर पेजेस ओके नाउ देयर इज़ एक्सेस फाइल कॉल्ड एच टी एक्सेस डॉट एच टी एक्सेस एक ऐसी फाइल है जिसके हेल्प से हम ओवर करते हैं जो हम अभी डायरेक्टरी में पढ़ रहे थे कि अलाउ ओ ओवर राइड ऑफ दिस थिंग तो वो ओवर होगा कैसे उसके लिए हम डॉट एच टी एक्सेस फाइल यूज़ करते हैं डॉट एच टी एक्सेस फाइल आपको डिफ़ाइन करती है कि आप ओवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते ठीक है इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ाइल्स इंक्लूड की हैं दीज आर द फ़ाइल्स डॉट एच टी स्टार ओके so these are also using for um, uh, override processes override processes इसके help से आप कर सकते हैं now uh, config की बात करते हैं तो अगर आप uh, mime types जैसे define करना चाहते हैं तो कौन कौन से mime types acceptable होंगे हमने mime types define किया था php.ini के अंदर जब email send करते हैं तो इस mime type की जरूरत होती है तो इसमें क्या-क्या mime types available हैं ये आपको किस फाइल से मिलेगा दैट इज डिफाइंड येर स्लैश सी टी सी स्लैश माइम टाइप्स ना डिफॉल्ट टैक्स डिफॉल्ट टाइप इज टैक्स प्लेन इट इज प्लेन टेक्स फ्रॉम योर आप बट वी हैव ओवर राइड इट विद द हेल्प ऑफ आवर पी एच पी डॉट आई एन आई दैट इट इज टैक्स लेस एच टी एम एल सो इट विल भी टैक्स लेस एच टी एम एल बाई डिफॉल्ट ना होस्ट नेम लुकअप्स होस्ट नेम लुकअप क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सर्वर किसी तरीके से कम्युनिकेट uh, करने को आया यानी आपके सिस्टम में किसी ने uh, किसी पर्टिकुलर साइट ने हिट किया या किसी यूज़र ने हिट किया तो उसके सिस्टम का क्या नाम है अगर वो आप देखना चाहते हैं आईपी एड्रेस के साथ साथ तो होस्ट नेम लुकअप आप ऑन कर सकते हैं हम ऐसा नहीं चाहते नाउ एरर्स आप कहाँ स्टोर करना चाहते हैं here वी हैव selected a फोल्डर कॉल्ड लॉग्स स्लैश एरर अंडरस्कोर लॉग अगर आप ये लोकेशन डिफाइन कर देते हैं किसी दूसरे फोल्डर के अंदर तो उस फोल्डर के अंदर ये डेटा जाएगा लॉग किस तरीके का आप चाहते हैं वार्निंग या एरर? सो यू कैन डिफाइन द लेवल ऑफ लॉग एंड दिस विल गिव यू द लेवल ऑफ लॉग लाइक वॉर्न यहाँ दिया है इसके अलावा अगर आप डीबग दे देते हैं तो डिबक से रिलेटेड एरर होंगे यू कैन फाइंड हेयर द पॉसिबल वैल्यूज़ दैट कैन बी डी बग इन फो नोटिस वन एरर एंड क्रिटिक सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एर लॉग्स यू कैन आइडेंटिफाई दैट वॉट एरर हैज एक्चुअली हैपेंड ना एरर्स के अंदर आप लॉग का फॉर्मैट किस तरीके से चाहते हैं जैसे आपका सिस्टम एक्सेस होता है तो किसने एक्सेस किया है या कहाँ से एक्सेस किया है ऑल दीज थिंग्स यू वॉन्ट सो इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं फॉर ऑल दीज देयर आर सम लॉग फॉर्मेट्स एंड यू कैन सी द लॉग फॉर्मेट्स हेयर इट्स रिटर्न इन कमेंट हियर कि कौन सा वाला स्टेटमेंट हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है यू कैन डिफाइन अ कस्टम लॉग फोल्डर और कस्टम लॉग फाइल वेर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं उस नाम से फाइल के अंदर आपके कस्टम लॉग्स ऐड होंगे ठीक है नाउ सर्वर सिग्नेचर सर्वर सिग्नेचर क्या होता है कि इफ़ सपोज यूजर इज़ ट्राइंग टू एक्सेस योर वेबसाइट देन ही इज एबल टू नो दैट व्हाट सर्वर यू आर यूजिंग अगर आप चाहते हैं कि सर्वर सिग्नेचर यहाँ पे दिखे तो यू कैन पुट इट ऑन यू कैन पुट इट ऑफ इफ़ यू डोंट वांट टू अलाउ द यूज़र टू आइडेंटिफाई दैट यू आर यूजिंग अपाचे वेब सर्वर आप कौन सा वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ दिखाना चाहते हैं तो आप सर्वर सिग्नेचर ऑफ़ कर ऑन रखिए अदरवाइज ऑफ़ कर दीजिए ठीक है ना एलियाज और वर्चुअल डायरेक्ट्री वर्चुअल डायरेक्टरी या एलियाज़ क्या होता है कि आपके पास एक डायरेक्टरी है उसको आप किसी खास नाम से एक्सेस करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट रूट के अंदर डायरेक्टरी नहीं है इट इज़ समवेयर एल्स बट यू वांट टू शो इट लाइक सम डायरेक्ट्री इज़ देयर इन डॉक्यूमेंट रूट एंड यू वांट टू एक्सेस इट फ्रॉम देयर फॉर दिस यू कैन यूज़ एलियाज एलियाज देन इसके बाद डायरेक्ट्री का नाम और डायरेक्ट्री की लोकेशन एक्चुअल लोकेशन रेक्ट्री देन डायरेक्ट्री लोकेशन एंड हेयर यू कैन डिफाइन द ऑप्शन रिलेटेड टू ओवर ओवर राइड एंड ऑल थिंग्स ठीक है ऑप्शन जैसे इंडेक्सेज हम इसमें अलाउ कर रहे हैं मल्टीव्यू अलाउ कर रहे हैं एंड फॉलो सिम्बॉलिक लिंक्स अलाउ कर रहे हैं ठीक है इसके बाद हमने यहाँ डिफाइन किया ऑर्डर अलाउड इन आई एंड अलाउ फ्रॉम ऑल दैट मीन्स इट इज एक्सेसिबल फ्राम एवरी वेयर ना इफ यू वॉन्ट टू यूज़ सी जी आई देन फॉर सी जी आई यू कैन यूज़ सी जी आई बिन एंड दिस सी जी आई बिन इज़ लोकेटेड एट स्लैश वेर स्लैश डब्ल्यू 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 स्लैश सी जी आई बिन जो भी आपकी सी जी आई एंड पर्ल की स्क्रिप्ट हैं वो इसके अंदर रखी जाएंगी और उनको एक्सेस करने का तरीका होगा सी जी आई डैश बिन And this will uh, basically check the authentication of user and then allows uh, to access uh, some specific kind of content. Now, what kind of character set you want to use? That we define here, along with uh, indexing option. Fancy indexing is permitted. Then version, so, uh, version sort is there, and all uh, above all, the character set is UTF-8. मतलब हम डिफरेंट uh, लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करते हैं इसके अलावा आप अगर uh, कुछ स्पेसिफिक टाइप के पेजेस uh, के लिए अगर आप स्पेसिफिक टाइप के आइकन्स डिफाइन uh, करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डिफाइन हियर फॉर एग्जांपल आइकन स्लैस सी डॉट जी आई एफ इज़ यूज फॉर डॉट सी फाइल्स आइकनस डॉट आइकन स्लैस पी डॉट जी आई एफ इज़ यूज फॉर पी एल और पी वाई पल लैंग्वेज स्क्रिप्ट इन द सेम वे डी डी वी आई इज़ यूज फॉर डी वी आई फाइल्स एंड सो ऑन सो फाइल टाइप के हेल्प से अगर आप आइकन डिफाइन करना चाहते हैं जब डायरेक्टली ब्राउज हो रही हो तो वो आइकन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं ना देर इज सर्वर रीड मी एंड हैडर so you can define here header.html html and uh, server readme these two are uh, basically the files जो कि आपकी uh, कहीं भी readme और uh, header के नाम से अगर कोई page आता है तो ये उसको automatically recognize कर लेगा ठीक है अगर आप index के अंदर कोई चीज ignore करना चाहते हैं कि suppose अगर ये वाला चीज आता है तो उसको ignore कर दिया जाए तो for this you can define here

अब अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं कि सर्वर आपका मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है तो किस लैंग्वेज का पेज आया तो उसको कहाँ भेजना है दैट यू कैन डिफाइन हियर विद द हेल्प ऑफ द टाइप ऑफ लैंग्वेज लाइक डॉट ई एन इज़ यूज फॉर इंग्लिश एंड लैंग्वेज प्रायोरिटी अगर सपोज़ uh, सर्वर है उसने चार तरीके की लैंग्वेज सॉरी क्लाइंट है उसने चार तरीके की लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के लिए बता दी कि भाई मैं तो इंग्लिश भी एक्सेप्ट करता हूँ और फ्रेंच भी एक्सेप्ट करता हूँ हिंदी भी एक्सेप्ट करता हूँ तो प्रेफरेंस कि आप उसको इंग्लिश में पहले कम्युनिकेट करेंगे या प्रेफरेंस आप हिंदी पहले प्रिफर करेंगे दैट यू कैन डिफाइन इन लैंग्वेज प्रायोरिटी नाउ डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट आपका किस तरीके का रहेगा दैट यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस एड डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट लाइक यू टी एफ एट वी हैव सेलेक्टेड ना इफ यू वॉन्ट टू यूज सम काइंड ऑफ कंप्रेशन टेक्निकन फॉर कम्प्रेशन टेक्निक वॉट काइंड ऑफ कंप्रेशन यू वॉन्ट एंड वेयर यू वेयर इज द एप्लीकेशन रिलेटेड टू दैट इज अवेलेबल दैट यू कैन डिफाइन ये एड टाइप हमने डिफाइन किया है डॉट जेड तो उससे रिलेटेड एक्स कॉम्प्रेस नाम का हमारा एप्लीकेशन है वो उसको कॉम्प्रेस करता है या जी जिप है वो जी जेड या टी जी जेड बन बनाता है ठीक है नौ यू कैन एड एन अदर हैंडलर ऑल्सो लाइक एक वेरिएबल हैंडलर एड किया है मैप नाम का नौ no.

ठीक है इन एरर पेजेस के साथ आपके पास uh, कुछ नाम डिफाइन होते हैं फॉर एग्जांपल, एरर कोड इज़ 400, हंड्रेड दैट मीन्स इट इज़ अ बैड रिक्वेस्ट एरर कोड नंबर 401 जीरो वन इज़ अनऑथराइज एक्सेस टू समथिंग। इफ पेज इज़ फॉरबिडन दैन इट इज़ 403, 404 दैट मीन्स पेज नॉट फाउंड 405 इज़ वॉट एवर द मेथड यू हैव ट्राइड इज नॉट अलाउड मतलब हमने पोस्ट मेथड अलाउ किया था अपने गेट से क्वेरी कर दी तो वो अलाउड नहीं है इसके अलावा फोर जीरो एट इज़ यूज फॉर रिक्वेस्ट टाइम डाउट फोर हंड्रेड टेन इज़ यूज फॉर एच टी टी पी गॉन इंफॉर्मेशन एच टी टी पी गॉन इज बेसिकली सर्विस इज नॉट अवेलेबल और सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल इन स्पेसिफिक एरिया देन देर इज लेंथ रिक्वायर्ड एच लेंथ रिक्वायर्ड पेज बहुत ज़्यादा लंबा है आपने लेंथ जो डिफाइन कर रखी है उतनी लंबी पेजेस uh, हम नहीं देंगे या देर आर सम एरर नंबर्स एंड विद ईच एरर नंबर देर इज एरर मैसेज इज डिफाइंड फॉर एग्जांपल बैड गेटवे और सम काइंड ऑफ प्रॉक्सीज़ यूज एंड वी डोंट अलाउ प्रॉक्सी सो यू कैन सेलेक्ट द एर पेजेज यू कैन इवन री राइट द एर पेजेस यू इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ सपोज़ बैड रिक्वेस्ट में मैं चाहता हूँ कि नहीं ये बैड रिक्वेस्ट वाला एच टी एम एल पेज ना आए कोई और पेज है तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि एर एरर नंबर फोर हंड्रेड पर पेज कौन सा है ठीक है आप यहाँ पे कोई दूसरा पेज नेम दे दीजिए वो वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा अदरवाइज़ यही पेज दिखेगा नौ यूज़र एजेंट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं ब्राउज़र कौन कौन से आप अलाउ करते हैं ब्राउज़र अगर मैच करता है इस पर्टिकुलर चीज़ को तो उसके साथ क्या करना चाहिए फॉर एक्ज़ाम्पल यू कैन इफ़ ब्राउजर इज मैचिंग रियल प्लेयर देन यू वॉन्ट टू फोर्स रेस्पॉन्स ऑफ समथिंग ऑफ दैट कैंड रिलेटेड टू रियल प्लेयर अगर जे है तो आप उसे कुछ आ, अलग तरीके का रेस्पॉन्स देंगे ठीक है ब्राउज़र अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो आप उसे कुछ अलग रेस्पॉन्स देना चाहते हैं ब्राउज़र अगर किसी दूसरे तरीके का है तो आप उसे कुछ दूसरा रेस्पॉन्स देना चाहते हैं दैट यू कैन डिफाइन ठीक है इससे आपको पता चलता है कि आप किस तरीके का टूल आ, किस तरीके का टूल आपकी साइट को एक्सेस करना चाहता है और आप उसको क्या रेस्पॉन्ड करते हैं ना देर इज़ वर्चुअल होस्ट वर्चुअल होस्ट क्या होता है कि सपोज इन माई साइट आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर देन वन वेबसाइट मैं तीन चार साइटें बनाना चाहता हूँ सो आई कैन डिफाइन है वर्चुअल होस्ट एंड देन होस्ट नेम वर्चुअल होस्ट का नाम डिफाइन कर दिया वर्चुअल होस्ट का नाम तो डिफ़ाइन कर दिया नेम बेस्ड होस्टिंग कर दी वर्चुअल होस्ट का नाम डिफाइन कर दिया और वर्चुअल नेम बेस्ड होस्टिंग कर दी बट व्हाट वी वांट इज वी वांट टू डिफ़ाइन दैट द होस्ट इज रनिंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक पोर्ट और इट इज़ रनिंग विद स्पेसिफिक नेम या फिर अगर इस होस्ट के इस नाम से अगर कोई क्वेरी करता है तो इसको ये वाला रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए तो दैट वी कैन डिफाइन य फॉर एग्जाम्पल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर इसके लिए दूसरा कर दिया और हमने वैसे दूसरा रखा हुआ था इसी तरीके से हमने डॉक्यूमेंट रूट इसके लिए अलग रखा है और हमारा मेन डॉक्यूमेंट रूट अलग था सर्वर नेम इज़ दैट वॉट एवर द नेम वी डिफाइन हियर अगर उस नाम से आप इस सर्वर को खोलते हैं तो ये वाला खुलेगा नहीं तो पिछला वाला डॉक्यूमेंट रूट खुलेगा और तो और आप इसका एरर लॉग भी चेंज कर सकते हो कि नहीं एरर लॉग इस फोल्डर के अंदर आएगा ठीक है दैट्स ऑल वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ वेब सर्वर Just uh, to quit from here, use Q exclamation. If you want to save it, you can use WQ. I don't want to save whatever the changes I have made, so I have used WQ. Uh, uh, sorry, Q exclamation. Okay, now there is one activity for you that is what you have to do is you have to list out uh, the usage of php.ini file and you have to uh, list the uh, steps of creating virtual directory in apache web server that's all for now thank you